जय श्री राम दोस्तों, एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज काफ़ी दिनों के गैप के बाद मॉर्निंग के वर्कआउट सेशन के लिए उठ पाए हैं और जा रहे हैं भाई अभी जिम में। भाई जिस दिन वंशू आ जाता है उस दिन उठ के चले जाते हैं, जिस दिन वंशू नहीं आता मैं भी सोता रहता हूँ, घर वाले भी सोने देते हैं। तो रात को वंशू को धमकी दे के सोना पड़ता है, नहीं तो वंशू भी नहीं आता है। वंशू को भी निंद्रा प्यारी है, देख अब इधर देख भी नहीं रहा है। तो चलिए भाई आज का मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। A few moments later. Meanwhile. आपके सब्सक्राइबर आए थे। कहाँ पे आए थे? आपके घर पे। किस टाइम? कल। और आप जतिन व्लॉग? हाँ। मुझे लेके चलो। कहाँ लेके चलूँ? घर पे अपने। अभी कहीं नहीं जाना, वहाँ ऊपर बैठे रहो। ये बच्चे बता रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर आए थे जतिन व्लॉग्स, और ये लिख के भी गए हैं सब्सक्राइबर आए थे 4:30। तो भाई मैं उस टाइम पे सो रहा था शायद, है ना? नहीं यार, तू गए तो कहीं पे गाड़ी डिस्कूटी। क्या बोला तूने? तो नहीं, मैं उस टाइम पे भाई सो रहा हूँगा जब आए थे। आई एम सो सॉरी। और आप अगर दोबारा आए तो मैं 5:30 बजे आपको यहीं मिलूंगा। 5 बजे। 2000 years later. तो भाई नहा धो के रेडी होके अब निकल गए हैं अपने पहले काम के लिए जो है हमारा भाई कोर्ट का काम और वकालत। भाई बहुत काम आती है लोगों के, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिसेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाई हमारा काम जब तक चलेगा जब तक दो लोगों के बीच में भाई झगड़े होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर अकर होती है तो उसको भाई सुलझाने के लिए सबसे पहले पुलिस होती है, फिर होते हैं हम। जो मैटर हाथ से निकल जाता है, जो बिगड़ जाती है बात, उसको फिर हम सुधारते हैं। तो चलिए भाई चलते हैं अब वकालत करने। कुलचे जूस पिला दूं? क्या जूस पियो यार, इतने छोटा है तू भी। छोले कुलचे से क्या होगा? कितने हो तुम? चलो आ जा, आ जा भाई। अभी मंदिर में आया था और मैं जब मंदिर में घुस रहा था ना, कैसे हो भाई? तो भाई छोटे छोटे बच्चे ना देख रहे थे और बोल नहीं रहे थे कुछ। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। तो ये कहते हैं इनको लगी है भूख। भूख लगी है भाई? ज़्यादा कम? ज़्यादा लगी है। दो प्लेट बनवा दो तुम्हारी, हैं? दो प्लेट में से शेयर कर लेना भैया, दो प्लेट बना दो इनकी। तो भाई मैं तो कह रहा था जूस क्यों नहीं पी रहे तुम, जूस पिला देते तुम, हैं? भूख लगी है इसलिए। चलो भाई सुबह सुबह एक पुण्य का काम हो गया। बैठ गया महाराज, कोई नहीं है ना, पेमेंट कर देता हूँ और मैं निकलता हूँ कोर्ट में, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हैं? A few moments later. एक और बात थी भाई, अब बात याद आ गई है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे मैंने ना भाई कुछ दान इच्छा अनुसार अपना मंदिर में भी देना शुरू किया है, और मैंने ना कुछ मांगा भगवान जी से पहले ही दिन, और जो मांगा आप यकीन नहीं करेंगे मेरे को जस्ट नेक्स्ट डे वो मिल गया, जस्ट नेक्स्ट डे, ठीक है? और फिर मैंने ये भी बोला था साथ में कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं मंदिर में कुछ करूँगा या मंदिर के लिए कुछ करूँगा, और इस तरीके से एक वो होता है ना कि अपना इच्छा होती है कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ मंदिर के लिए टाइप।
तो वो भी मैंने बोला। और मैंने मंदिर के लिए भी भाई एक चीज ऑर्डर की है, मैंने मंदिर में पुजारी से पूछा कि पुजारी जी आप मेरे को बताइए कि क्या चाहिए है मंदिर में, तो जो उनका बेटा है हनुमान मंदिर वाले में ही, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि इस चीज की हमें जरूरत है, तो वो मैंने कल ही ऑर्डर कर दी है। ठीक है, अब वो चीज आ जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज मैंने मंगवाई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आस्था रखो, एक बहुत सुप्रीम पावर बैठी आपके ऊपर जो सब चीजें देखती है और जो इस संसार को भी चला रही है, तो उनसे ऊपर कुछ नहीं है। तो आस्था जरूर रखो, मैं नहीं कहता पूजा पाठ करो ये करो वो करो, बट आपकी आस्था जरूर होनी चाहिए और एक विश्वास जरूर होना चाहिए कि हाँ आपके ऊपर कोई है और हर चीजों को वो ध्यान रखता है। देखो भाई, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, तो जब नारायण जी मिले तो उनको निराश ना करें। नारायण जी भाई, उनको कुछ चाहिए नहीं हमसे, बट हम आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। लो भाई, अब पहुंच गए अपने घर पे, लंच कर लिया था अबे भाई, रेस्ट वगैरह का टाइम, और एक आधी रील रूल करूंगा भाई एडिट। अब गाइस घर पे आ गया, अब है मेरा रेस्ट करने का टाइम, और अब मैं रेस्ट टाइम में पढ़ूंगा भाई द हिडन हिंदू। हाँ, ये मैंने ना जब मैं वैष्णो देवी गया मैंने तब स्टार्ट की थी पढ़नी, और 60-70 पेज में पढ़ चुका हूँ, और 200 समथिंग पेज है, तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ देंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, फिर इसके बाद वो वाली लेके आएंगे। तो चलिए अब बुक पढ़ते हैं। 2000 years later. So guys, अब हो गया है समय जिम में जाने का, एज यूजुअल आप लोगों को पता है। तो भाई डेली रूटीन वगैरह तो हमारा आप लोगों को पता ही है कैसे क्या होता है, और जो हमें 2 दिन पहले भाई हमारे एक छोटे सब्सक्राइबर मिले थे, आज मुझे उनके पिताजी मिले। उनके पिताजी भी वकील हैं और हमारे साथ ही सोनीपत कोर्ट्स में ही हैं, तो उनसे फिर मैंने नंबर शेयर किया, और अभी मेरे पास उनका फ़ोन आया था जो हमारे छोटे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको बात करनी थी मुझसे, तो काफ़ी देर बात बात हुई और वो खुश हो गया भाई, और हमारे सब्सक्राइबर खुश तो हम भी खुश। हेलो, आज आपके साथ आज बात हुई। हाँ, कैसा लगा फिर? मस्त भाई। यस, आपकी थार तो मस्त है। क्या कह रहे हो? आपकी थार तो मस्त है। मस्त है, अच्छी लगी आपको? आज कोर्ट से आपका नंबर मिला है। हाँ, मेरे को मिले थे आज वो। आपको मस्त लगी ना? बैठना है, फिर बिठाऊंगा आपको किसे? और क्या, बाय बाय। हेलो, मीनवाइल भाई इनकी हो है गैंग वॉर, या माँ है वो बट्टा है या बेटी है, एक मारा ही हो रहा भाई। मर्द मानस देख लो भाई। भाई मैं तो अपने वाली गैंग का नहीं हूँ, खैर। और ये भाई रोज के कर है ना, ये रोज नूक रहे हैं ऊपर, इन तो छोटे छोटे कोई बालक, और इन तो ये चार तुम्हारे हो गए, अरे पर लीगन तो भाई 4-5 को तीन छोटे छोटे बालक हैं, 2-3 बड़े बड़े कुत्ते हैं, आ जाए पूरी रात कट कटता रह रहे हैं, लड़ते नहीं कुछ नहीं करते, पर इन भाई रोज भाई करे जाए है ना, दी बेचारी का भाई पैर क्या हो, मैं देख टेढ़ा डर रही है। और इस गिल्ला पर यो काम कद होया है, यो काम इस गिल्ला जब होया जब मैं इस तेन कर रहा था, या गुणी एक्टिव हो रही थी तो मगाया, ज्यादा एक्टिव हो रही है बेचारी, लौट रही थी आराम से, एक गाड़ी वाला पाँ बजे चढ़ा ले गया, पाँ बजे चढ़ाए पाछा भाई संभाली, मैंने देखी सौं था मैं, इतनी निकल के मारी इसने, मैं उठ के बाजा, इतने में गाड़ी भी जाओ रही, फिर मैं खैर गाड़ी वाले रही के कहूँ, चलो गए पीछे बाजे पूछे इसमें संभाल लूँ, मेरे लिखा था भाई मरगी अक्के हो गया, ऐसा कुछ हो गया था, गया फिर बहुत ज़्यादा लगी। A few moments later. इतना बार वाला तो देखा हूँ, मारे वाले कभी चमका दे, बढ़िया लग गया रहा खाना, थैंक यू नहीं कहता कोई सा भी, देख लो भाई कौन सा थैंक यू कहता होता, कति बेशरम बालक हमारे तो, यो आया थैंक यू वाला, आइयो मेरी लड्डो। तो चलो भाई आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।
आप लोगों को भाई ब्लॉग कैसा लगा, क्या कुछ आप सीख भी रहे हो मुझसे? हालांकि मैं इतना भाई इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं कुछ सिखा सकूँ, बट हाँ एक दो चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी हैं मुझ में। तो आप में से अगर कोई भाई सीख रहा है या कोई छोटे बच्चे भी मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटे बच्चों को तो मैं भाई एक ही बात कहूँगा, एक कि भाई भगवान जी में आस्था बनाओ, आप बड़े हो तो भाई अपने बच्चों को थोड़ी बहुत ये चीज़ें सिखाओ, पूजा पाठ वगैरह, मंदिर जाना, तिलक लगाना और इस तरीके की सारी चीज़ें आप सिखाओ भाई, आपके बच्चों का बेस जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। तो इसी के साथ करते भाई आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।